आखिरकार रूबीना दिलेक के रूप में बिग बॉस 14 को उसका विनर मिल ही गया। ट्रॉफी के साथ साथ 36 लाख रुपए की रकम भी रूबीना के नाम रही। साथ में लोकप्रियता में और इजाफा हुआ सो अलग। राखी सावंत, अली गोनी, निक्की तंबोली जैसे मजबूत दावेदारों को रूबीना ने पछाड़ दिया था। सभी जानते थे कि असली टक्कर तो राहुल वैद्य और रूबीना में है, लेकिन रूबीना थोड़ा आगे लग रही थी और हुआ भी ऐसा ही। रूबीना ने बाजी मार ली। आखिर रूबीना सर्वाधिक वोट पाने में कैसे सफल रही, इसके पीछे 5 कारण हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। नंबर 1, लोकप्रियता। रूबीना को लोकप्रियता का फायदा मिला। छोटी बहू और शक्ति अस्तित्व के एहसास की जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल के कारण दर्शक उन्हें जानते थे। पहले दिन से ही वे जाना पहचाना चेहरा थी। हालांकि यह छवि जल्दी ही धूमिल हो जाती है और बिग बॉस के खेल में अलग ही छवि उभर कर सामने आती है, लेकिन रूबीना ने अपनी लोकप्रियता का खासा फायदा उठाया। आत्मविश्वास। बिग बॉस शो के पहले दिन से ही रूबीना दिलेक आत्मविश्वास से भरी थी। याद कीजिए कि पहले दिन उनका आत्मविश्वास तोड़ने की किस तरह से कोशिश की गई थी। उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया था, लेकिन वे डटी रही। पूरे शो में वे आत्मविश्वास से लबरेज दिखी और यदि टूटी भी तो जल्दी से फिर उठ खड़ी हुई। तीसरा कारण, पक्ष रखने की क्षमता। रूबीना बिग बॉस शो की अच्छी तरह से तैयारी करके आई थी। वे जानती थी कि शो में उस खिलाड़ी को खासी तवज्जो मिलती है। पहले दिन से रूबीना हर बात पर अपनी राय रखने लगी, भले ही इस कारण उनके शो में कई लोग दुश्मन भी बने। राहुल वैद्य से तो उनकी बिल्कुल नहीं जमी, लेकिन वे डटी रही। संबंध बनाने के बजाय उन्होंने पुरजोर तरीके से पक्ष रखने को ही महत्व दिया। कारण नंबर 4, निडरता। निडरता रूबीना के स्वभाव की खासियत है। वे कभी भी किसी से नहीं डरी। यहां तक कि शो के होस्ट सलमान खान ने भी उन्हें कई बार फटकार लगाई, लेकिन उनसे भी डरने के बजाय रूबीना ने अपना पक्ष रखा। उनके इस गुण को खासा पसंद किया गया। कारण नंबर 5, अभिनव का साथ। शो में रूबीना अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ आई थी। लंबे समय तक अपने पति का उन्हें साथ मिला, यह भावनात्मक सहारा दूसरों को हासिल नहीं था। रूबीना को निश्चित रूप से इसका फायदा मिला। वे अपने दिल की बात किसी से कह सकती थी। शो के दौरान ही अभिनव के साथ उनके संबंध और प्रगाढ़ हुए।